करके हम लोग तो बोलते हैं प्रधान से भी और सफाई कर्मी से भी बोलते हैं, तो लोग नहीं सुनते। एक बार बोला भी था, कंप्लेन भी किया था, तो एक बार आके वो साफ भी किया। नदी शायद भवन में ड्यूटी निभाते हैं और प्रधान जी के यहाँ जाके अपना साइन करवाते हैं लोग और वहीं से अपना 9-2-11 हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ बीमलेश कुमार। इस वक्त जो है कासमाबाद ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा चौरा में उपस्थित है और ग्राम सभा के अंतर्गत जिस तरह से सभी एक ग्रामवासी आज इकट्ठा हुआ है, इस गांव में बिगड़ जो है एक बड़ी समस्या जो सामने उभरती हुई दिख रही है कि ये लोग के सामने जो है इतना जो कूड़ा करकट, जो ये घासें बड़ी बड़ी जो हो गई है, इससे जो है बहुत दिनों से ये लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं एक सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी जो सिस्टम है, आज के दौर पे देखा जाए तो सफाई अभियान पर फोकस करना एक सरकार का पूरा जो है नज़र है, लेकिन वहीं जो ये कर्मचारी हैं और जो ये सफाई कर्मी जो हैं गांव में क्या सफाई करते हैं, साफ तौर से उदाहरण के तौर पे ये आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या सफाई इस गांव में हो रहा है, सफाई कर्मी कितना जो है अपने कार्य पे अच्छे से निभा रहे हैं। आइए गांव वाले ही बताएंगे इनके जुबान से। सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? हमारा धर्मेंद्र कुमार। ये आप लोग के गांव में सफाई कर्मी आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, महीने दिन पर आते हैं, एक बार आते हैं, वो भी कचरे निकाल कर जिसके जहाँ निकालना है उसको वहाँ निकाल कर चले जाते हैं। महीने में आते हैं? महीने में आते हैं। एक बार आते हैं कि कई बार? एक बार आते हैं, मेरे सामने एक बार आए हैं अभी। पहले तो मैं भी साफ करता था अपने सामने का। आप कहाँ साफ करते थे? मैं अपने घर के सामने का साफ करता था और साफ करके फेंकता था। उनको भी मैं बताता था कि आप उन लोगों को हाजिरी लगा देते हैं, आप उन लोगों को दस्तखत कर देते हैं, उन लोगों का पैसा बनता है, मेरे को क्या देते हो? मैं तो गांव वाले हैं, आप मुखिया है गाँव के, तो हम ही लोग सफाई करेंगे, तो मुखिया बनाने का क्या मत हुआ फिर? क्या मतलब होगा? मुखिया से बात करते हैं? मुखिया से मैं बोलता हूँ। क्या बताते हैं सफाई कर्मी से? बोलते हैं कि ऐसा है कि मैं तो उन लोगों को बोला हूँ, वो लोग लापरवाही करते हैं तो उन उसके बारे में आप ध्यान दीजिए फिर, और गांव पर भी ध्यान रखिए कि नहीं किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं चाची, क्या नाम है? हमार कमाली। कौन घर है आपका? ये है। ये घर में आप रहते हैं? हाँ। ये सफाई कितना दिन से ना हो कहता? सफाई जो नहीं बोल रहा बाबू तेने बतिया बा आवत वालो तो सबे दिक्कत बा। सफाई करेंगे लोग अपन हाजिरी लगाओ लोग गई लो। अच्छा, आप लोग नहीं बोलते हैं कि ये कूड़ा करकट क्यों ऐसा पड़ा है? सफाई का मन का बोल के करे के जो उन लोग का मन है तो कर ही लो। हाँ, तो गांव के मुखिया जो है प्रधान से आप लोग बोलते हैं कि ये सफाई कर्मी लोग नहीं काम करते? नहीं आते भैया, नहीं आते आदमी का प्रधान तम तो आप पानी सब काम कर रहे हैं? का नाम? हमारा नाम गिरजा है। गांव में सफाई का काम सफाई कर्मी करते हैं? नहीं साहब, पानी पाने का सुविधा नहीं है साहब, तो कैसे सफाई करनी करेगा? जैसे कि मुखिया भी ख्याल भी नहीं करते हैं, वो भी आते हैं तनी मनी ताक करते करे भैया उसको झाड़ दो, तो कहते हैं कि चलो हो गया, चला हो गया, तो करीब बाद हम लोग क्या करें? तो कितने महीने में सफाई कर्मी रोज आते हैं? या महीना में आते हैं? महीना में आते हैं, और वो उठा करके कचरा दुआरी पर धो देते हैं, तो आदमी है तो उठा करके उसको बिकते हैं। यहाँ तक सरकार ने एक थम जो है लगाया है कि सब लोग अपना ड्यूटी करेंगे, अंगूठा लगाएंगे इन आउट का है, फिर भी वो लोग महीने में एक बार आते हैं? हाँ, एक महीने में आते हैं। पर डे का ड्यूटी दिया जाता है सरकार, कहीं ना कहीं रोज का जो है उनका ड्यूटी ऑनलाइन जो है इस तरह से एक सिस्टम बना है कि उस पर सबका जो है हाजिरी लेती है, लेकिन फिर भी ये लोग बता रहे हैं कि महीने में एक बार आते हैं। बाकी का रोज का ड्यूटी कहाँ दिखाते हैं? रोज का ड्यूटी तो भाई वो भी नहीं जाने कहाँ दिखाते हैं, या तो नहीं दिखाते हैं, या नहीं दिखाते? नहीं, यहाँ नहीं दिखाते हैं। अच्छा, न मुखिया में इसमें कमी है, न मुखिया भी उसके साथ रहते हैं। अच्छा, मुखिया भी नहीं रहते, उसको कह देते जाओ झाड़ फूँक करके उसको वहाँ पर रख दो। मुखिया से तभी बात हुई तो बता रहे हैं कि नहीं लापरवाही है। मुखिया भी आप बता रहे हैं कि सफाई कर्मी से मिले हैं? कहाँ? हाँ, सफाई करने से काम ही नहीं है। कई बात में बात आओ तरह कचरा द्वार को उठा के देता तला एक बार देखे, गांव को विकास भी नहीं बना हुआ है, कौन बनाया है? अच्छा, अभी इसी गांव के हैं? क्या नाम है? भोला राज। आप लोग गांव में ये सर सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, कोई क्या वजह है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई हम लोग तो बोलते हैं प्रधान से भी और सफाई कर्मी से भी बोलते हैं, तो लोग नहीं सुनते। एक बार बोला भी था, कंप्लेन भी किया था, तो एक बार आके वो साफ भी किया। नदीक ब्लॉक है, ब्लॉक में आप लोग को एप्लीकेशन देना चाहिए कि हमारे गांव में सफाई कर्मी सफाई नहीं करते हैं।
तो बोलने के बाद में एक बार आए थे, उसके बाद में फिर से कोई रिस्पॉन्स बोलने पर एक बार आए थे उसके बाद नहीं आए थे, इसके बाद में कोई नहीं आया। सरकार तो ये पूरे सफाई अभियान पे पूरा फोकस रखी है कि कहीं ना कहीं हर गांव में एक सफाई जो है पूरा होना चाहिए, और सफाई जो है कहीं ना कहीं साफ़ सुथरा जगह और साफ़ सुथरा ये गाँव होना चाहिए जी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कहने के लिए है कि हमारे गांव में सफाई हो रहा है, लेकिन यहां पे कोई सफाई नहीं है। यानी कि सरकार की जो पहल है ये गांव में उस तरह से नहीं दिख रहा है। नहीं, जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो लोग वो अपना ड्यूटी नहीं निभाते हैं। ड्यूटी ये गांव में नहीं निभाते हैं भैया, उन लोग के ऑफिस पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम लोग गाँव वाले थोड़ी भी जाके उसको निरीक्षण करेगा। पंचायत भवन में ड्यूटी निभाते हैं और प्रधान जी के यहाँ जाके अपना साइन करवाते हैं लोग, और वहीं से अपना 9-11 हो जाते हैं। दो बार तो मैं पंचायत भवन में जाके उन लोगों को संकेत किया था, तो एक बार आए थे तो इधर के जो कि घास आस सब मारे थे, मार के और उधर जिधर आप लोगों को दिखाया घुमाकर, उधर का सफाई उस दिन किए थे, मैं संगे जाकर मैंने करवाया था। इस गांव में कई तरफ कई जगहों पे इन्होंने दिखाया, आप भी देख पा रहे होंगे कि उस जगह पर मैंने देखा कि कहीं भी सफाई का जो है नज़ारा नहीं दिखा। हर जगह जाने पे जो है कहीं ना कहीं ऐसे कूड़े करकट और इस तरह से जो है बड़ी बड़ी घासें नज़र आ रही है। लगता है कि शायद इस गांव में इस तरह से जो है सफाई का कोई जो है उस तरह से पहले नहीं है जो सरकार की पहल हर गांव के लिए बना है। बोलते भी हैं कि जो कि सफाई कर्मी वाले जो सफाई करते हैं, नाली का कचरे उठाकर जो कि घर पर रख देते हैं आजू बाजू में किसी के, तो कहते हैं कि ऐसा कि प्रधान कहते हैं कि जब गाड़ी है नहीं तो मैं कैसे साफ़ करूँ, तो नहीं साफ़ करना है तो आप निकालो ना, नई गाड़ी है तो मत निकालो, मत साफ करो नाली, बस किसी के द्वारे और आजू बाजू में ना रखो, फिर रखो तो उसको सफाई कर उसको साफ कर दो फिर। तो कौन दोषी है, क्या लगता है, किसकी मिली भगत है कि आप लोग के गांव में ऐसा काम हो रहा है और सफाई करने का प्रेशर प्रधान को डालना चाहिए ना, प्रधान डालेंगे, प्रधान बिल्कुल नहीं सुनते हैं, प्रधान को देखना चाहिए, पूछना चाहिए उनको। मैं एक बार नहीं कुछ नहीं तो दर्शनों बार संकेत किया हूँ। क्या लगता है कि प्रधान और सफाई कर्मी ये सभी लोग मिले हुए हैं? हर बात में उनको मैं बताता हूँ, हर बात जो भी देखता है नज़र में गलत तो उनको मैं पहले संकेत करता हूँ। संकेत करते हैं फिर भी क्या नज़र आता है? कहते हैं कि चलो ठीक है, हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होता है, बस मुंह से जितना हो जाएगा, बाकी सामने किसी के नहीं देखेगा कि नहीं हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए आपको दिखा दें कि ये पूरा नज़ारा है जो ये रोड के बगल में पूरे जो है बड़ी बड़ी घासें हो गई हैं। मालूम है देखने से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सफाई अगर हुआ होता तो ये बड़ी घासें नहीं होती। और ये पर डे का क्या स्थिति, ये लोग बता रहे हैं कि महीने में एक बार आते हैं, कहीं जो है टुटकर्मा करके चले जाते हैं, और जो है पंचायत भवन है पासी में, वहाँ शायद ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ से मिलते हैं और वहीं पर हाजी लगा के चले जाते हैं। पंचायत भवन में वहाँ का जो शौचालय बना हुआ है बहुत दिन बना हुआ होगा, बाकी अभी उसका कोई निर्माण नहीं हुआ, अभी उसी तरह से बंद है। गाँव वालों का क्या वो मतलब, आज आप लोग जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं, क्या आप लोग एक मांग लेकर आज इकट्ठा हुए हैं, क्या एक आप लोग की मांग है? हम लोग की यह मांग है कि हमारे गांव की सफाई करें, अगर पानी है ये सब बारिश होता है तो हेल के लोग आते जाते हैं, अन्य व्यक्ति भी अन्य गांव के भी लोग आते हैं तो कहते हैं कैसा गांव के प्रधान है, हैं गांव वालों को भी बोलते हैं कि सबसे कमी गांव वाले का होता है, प्रधान की नहीं है। जब प्रधान को प्रेशर डालेंगे गाँव वाले तो प्रधान क्यों नहीं सुनेंगे, तो कितना प्रेशर डालेंगे प्रधान को गाँव वाले। अच्छा, ये सभी इसी गाँव के हैं, और जो भी ये सब लोग आज इस सफाई से जो है परेशान है, जो ये पूरे कूड़ा करकट में अपना कहीं ना कहीं अपनी जो है परिवार और अपना जो है एक खान पान जो है इसी के सामने करते हैं। ये दूर तक आप थोड़ा सा आगे तक दिखाइए कि ये पूरा जो है जो दिख पा रहे हैं कि जो आगे तक समस्या है, ये वजह है कि ये सफाई कर्मी का जो है ये लोग का आरोप है कि अभी तक साफ नहीं करते हैं और महीने में जो है आते हैं और देख कर चले जाते हैं। खास जो है आप अपना सुझाव दीजिएगा, और ऐसे जो है लापरवाही जो क्षेत्राधिकारी है किसकी है, और कहीं ना कहीं अपर अधिकारी अगर विशेष अगर नज़र रखे तो शायद इस तरह से समस्या नहीं देखने को मिलेगी, और इनका नतीजा है कि कहीं ना कहीं ऐसे अनदेखा करने से ये समस्या सामने पड़ी है। खास इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।